वो स्टैंड जो था ना मेरा बहुत खतरनाक था। मैं शायद मेंटली इलनेस की तरफ जा रही थी, सच्ची मैं बताऊं आपको। तो जब मैं यहाँ पर आई थी, मैं उस वक्त इद्दत से उठी थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने इसमें कोई फ़िरका परस्ती नहीं देखी, कोई फ़िरका बंदी नहीं देखी। आसफ़ा का एक एक कोर्स, यानी कि मैं भी सीखती थी और उसके बाद अक्सर ऐसा होता था कि मैं अपने बच्चों को रिकॉर्डिंग दिखाती थी और खुद सीखने के लिए एग्जाम्स में दोबारा रिकॉर्डिंग्स जब देखी। एक ऐसा माहौल मैंने असफ़ा में पाया, खास करके अकीदे की क्लासेस में। इतने बड़े बड़े क्राइसिस में मुझे लगता है वो कुछ भी नहीं है, अल्लाह अगर हमारे साथ है तो। दुआएं कबूल होती हैं ना, मैं दुआ करती थी कि अल्लाह कोई राह दिखा कि मुझे ऐसे उस्ताद मिल जाए। मुझे नहीं पता था अल-मिदरार या असफ़ा कोई कोर्स है, तो ये अल्लाह का एहसान और करम है कि उसने मुझे असफ़ा कोर्स से जोड़ा। मैं तो अपनी खुशनसीबी समझती हूँ और मैं तमाम लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर रब को पहचानना है, रब को जानना है, दीन को समझना है, तो आइए असफ़ा की तरफ। मेरा नाम उम्मे हम्माद है और मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ कैस्पियन कॉलेज में। अल्हम्दुलिल्लाह 34 ईयर्स हो गए मुझे शोबाए तालीम से जुड़े हुए। मैं आतिफ साहब को काफ़ी अरसे से फॉलो कर रही थी और मैं एक एक उनका जो भी लेक्चर या कोई भी उनकी वीडियो आती थी वो मैं देखती थी। और मैं आपको बताऊं कि दुआएं कबूल होती हैं ना, मैं दुआ करती थी कि अल्लाह कोई राह दिखा कि मुझे ऐसे उस्ताद मिल जाए। मुझे नहीं पता था अल-मिदरार या असफ़ा कोई कोर्स है, और अचानक फिर मुझे एक जगह से थोड़ा सा लिंक मिला और जब मैंने उसका सर्च किया तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल-मिदरार की जो टीम थी उसने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और फिर मैं इसके साथ मुंसलिक हो गई। तो ये अल्लाह का एहसान और करम है कि उसने मुझे असफ़ा कोर्स से जोड़ा। सफ़ा कोर्स में आने का सबसे बड़ा तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी दुआ थी कि मैं शेख आतिफ साहब के, सच्ची बात है कि ये नाम एक ऐसा था जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा था। और जब मैं यहाँ आई तो यहाँ तो मुझे हीरे मिले सारे। तो जब मैं यहाँ पर आई थी, मैं उस वक्त इद्दत से उठी थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो जब मैंने असफ़ा ज्वाइन किया तो फर्स्ट क्लास टिल लास्ट क्लास, अभी जो सेकंड सेमेस्टर की हुई है, मैं समझती हूँ हर सेमेस्टर में मैं, हर कोर्स में मैं, हर क्लास में मैं, हर घंटे में मैं एक नई बात सीख कर अपने आप को बहुत समझती थी कि खाली बोतल है तो एक कतरा भी नहीं गिरा। और जिस तरह से मैं दीन में जुड़ी तो उसने मुझे बताया कि मैं असल में किस जगह स्टैंड कर रही थी। वो स्टैंड जो था ना मेरा बहुत ख़तरनाक था, मैं शायद मेंटली इलनेस की तरफ जा रही थी, सच्ची मैं बताऊं आपको। लेकिन असफ़ा के ही दौरान एक आप लोगों का ट्रॉमा कोर्स हुआ था जिसमें आप लोगों ने मुझे किया था, निदा थी उसमें, और इतना खूबसूरत उन्होंने गाइड किया कि मुझे लगा कि वाकई मैं तो ट्रॉमा पेशेंट हूँ और ट्रॉमा मेरा दूर कैसे होगा। उन बातों को फॉलो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। सबसे बड़ी बात यह कि जितना अरसा भी मुझे हुआ, एक साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसमें कोई फ़िरका परस्ती नहीं देखी, कोई फ़िरका बंदी नहीं देखी। शेख आतिफ साहब हो या शेख आरफीन साहब हो, शेख उबैदुल्ला साहब हो या सर अरसलान हो या सर ताहिर लतीफ़ साहब हो, मैंने कभी किसी से ये नहीं देखा कि उन्होंने किसी फ़िरका बंदी पे देखा हो। बल्कि इतने सख्त क्वेश्चंस स्टूडेंट्स कर लेते हैं सर आतिफ से दौरान क्लास के मौजू से हट जाते हैं, मगर सर वहीं उस पॉइंट से ही शुरू करते और बड़ी बड़ी बातों पर वो जिस तरह मुस्कुरा के जवाब देते हैं। तो उसने एक अज़म सिखाया कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुजाहिद बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज दुनिया जो है ना वो सिर्फ एक आपके एंटर पर है, पूरी एक क्लिक करेंगे आप अमेरिका से ज्वाइन हो जाएंगे और फिर उस बात को दोबारा रिपीट करने के लिए आप परेशान होंगे। क्लास भी अगर हम लेते हैं तो अगर हमारा दिल चाहता है कि सर ये दोबारा लेक्चर दे दें तो अच्छा होगा, तो इन चीज़ों से आ रही रहा। सफ़ा का एक एक कोर्स, यानी कि मैं भी सीखती थी और उसके बाद अक्सर ऐसा होता था कि मैं अपने बच्चों को रिकॉर्डिंग दिखाती थी और खुद सीखने के लिए एग्जाम्स में दोबारा रिकॉर्डिंग्स जब देखी, तो बहुत अच्छा रहा। तो मैं तो समझती हूँ ये कोर्स इसी तरीके से होने चाहिए। हम सब बाई बॉर्न मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अजान दी जाती है और हम मुसलमान हो जाते हैं। इसके बाद वालदैन जहाँ तरबियत करते हैं, जिस तरफ चाहते हैं उस तरफ तरबियत करते हैं, जैसे वो होते हैं। बहुत कम खुशनसीब होते हैं कि जो अपनी राह खुद तलाश करते हैं, जैसे कि हमारे उस्तादों ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई। एक ऐसा माहौल मैंने असफ़ा में पाया, खास करके अकीदे की क्लासेस में। इतने बड़े बड़े क्राइसिस में मुझे लगता है वो कुछ भी नहीं है, अल्लाह अगर हमारे साथ है तो। मैं तो अपनी खुशनसीबी समझती हूँ और मैं तमाम लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर रब को पहचानना है, रब को जानना है,
तीन को समझना है, तो आइए सफा की तरफ।